बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी, बेटा हम चैप्टर 18 डिस्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि ये छोटा चैप्टर है, तो और इसलिए जो है ना वो 17 के मुकाबले में 17 में फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जो है ना वो ज़्यादा मतलब आपको यहाँ, तो हो सकता है कि हम वो चैप्टर जो है वो आपको फिर बाद में पढ़ाएं जब इंशाअल्लाह एकेडमी खुल जाए तो, और अगर कोई ऐसा ना चांस बना तो फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे ही चलेगा काम। तो अब बेटा जी रिप्रोडक्शन जो है वो पहले उसकी डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ लाइफ इन विच, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है फिनोमिना किसे कहते हैं, नेचुरल प्रोसेस को कहते हैं इन विच एवरी स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एवरी स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हर स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कैन रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीशीज, अपनी ही स्पीशीज जैसे नए इंडिविजुअल जो हैं वो पैदा करते हैं, ठीक हो गया ना जी। अब एक जैसे या डिफरेंट, ये एक अलग इशू है। तो इंट्रोडक्शन बड़ा जी आपकी किताब में दिया हुआ है, छोटा सा पहला पैराग्राफ जो है उसको गौर से पढ़िएगा, उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज ए डिफरेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। याद करें फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में हमने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ पढ़ी थी, उन 9 में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, रिप्रोडक्शन थी। तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में से जो है रिप्रोडक्शन किस तरह से डिफरेंट है, तो आपकी किताब में इसका जवाब कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि इट इज नॉट नेसेसरी, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द वेल बीइंग ऑफ ए इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनिज्म स्पीशी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से एक होल ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल के लिए जो है वो ये कोई इतना नेसेसरी प्रोसेस नहीं है, बट जो है जरूरी नहीं है, क्योंकि एक अगर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं भी करता तो उससे डॉटर ऑफ स्प्रिंग्स पैदा नहीं होंगे। लेकिन इमेजिन करें कि अगर उस स्पीशी के तमाम इंडिविजुअल्स ही जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, फॉर एवरी मसलसल नहीं करते, तो क्या होगा, आस्ता आस्ता स्पीशीज के वो इंडिविजुअल्स की तादाद कम होती जाएगी और वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ऑल्दो द रिप्रोडक्शन हैज नथिंग टू डू विद द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, ये यहां से ठीक हो गया ना जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशी आर ए पॉपुलेशन, लेकिन एक स्पीशी या पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए जो है ये बहुत जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन इज द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन एंड मेंटेन अ स्पीशी, ये रिप्रोडक्शन का जो है वो एक आप समझ लीजिए एक और डेफिनेशन है, लेकिन ये जस्ट उसका एक एडवांटेज है। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं बड़े, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके ऊपर आपका जो है वो पैराग्राफ है नंबर 2, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली ए सिंगल पेरेंट, ठीक है ना जी। और दूसरा पॉइंट पे जो है विच गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी इनके अंदर जो माइटोसिस की डिवीजन होती है ड्यूरिंग विच टोटल क्रोमोसोम्स कंटेंट ऑफ द सेल इज एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड एंड पास इनटू डॉटर सेल्स so that offsprings are genetically identical। ये offsprings जो है वो ना सिर्फ आपस में genetically identical होंगे यानी clones भी होंगे, parents से भी genetically identical होंगे। आप कहते हैं सर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो asexual reproduction से, मतलब मिर्चें पैदा की जाती हैं, टमाटर प्लांट्स के पैदा किए जाते हैं, लेकिन कोई टमाटर बड़ा होता है कोई छोटा होता है, सोमा क्लोनल वेरिएशंस, इन्हें हम क्या कहते होते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन, हम इन्हें जेनेटिक वेरिएशन नहीं कहते। ये उसी जो है जैसे देखें ट्विंस जो पैदा होते हैं वो कद में या वेट में जो है वो उनमें फर्क होता है, बाकी उनमें जेनेटिकली वो एक जैसे होते हैं। तो इस वो वजह ये है कि उन ट्विंस को या उन ऑफस्प्रिंग्स को या उन टमाटरों को उन मिर्चों को जो है वो ऐसी मट्टी मिल गई, ऐसी लाइट मिल गई, ऐसी एयर मिल गई जो कि दूसरे इंडिविजुअल से क्या थी, डिफरेंट थी, तो इसलिए उनके अंदर जो है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आ गया। ऐसे हम इनको क्या कहते होते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस, लेकिन जेनेटिकली ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अच्छा बेटा जी जो है इसका एक एडवांटेज मैंने लिखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स अ स्पीशीज, एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स की मदद करती है टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ज्यादा तादाद में और थोड़े वक्त में। दूसरी तरफ जो है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा पैराग्राफ जो है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है पैराग्राफ उसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फिशन। तो बेटा फिशन की डेफिनेशन ये आपके सामने मौजूद है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू आर मेनी फ्रेगमेंट्स विच सराउंड डॉटर न्यूक्लियाई एंड चेंजेस इनटू टू आर मेनी डॉटर सेल्स, एग्जांपल गिवन अमेबा इकोलाई। अमेबा और अमेबा में भी बाइनरी फिशन होती है, इकोलाई में भी बाइनरी फिशन, चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखी है, ठीक हो गया ना जी। कि पहले जब वो न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं फिर उनके फिर साइटोप्लाज्म उनको सराउंड कर लेते हैं और इस तरह से साइटोप्लाज्म के दो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। पैरामेशियम जो उसमें मल्टीपल फिशन पाई जाती है। स्पोरुलेशन, अगली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पोर, एग्जांपल गिवन राइजोपस। राइजोपस याद है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड हमने पढ़ा हुआ है, यीस्ट और उसके अलावा जो है लूस मट ऑफ वीट वगैरह इस तरह के। बडिंग बेटा ये प्लांट्स में नहीं है, ये जनरल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन आउट ग्रोथ, एक उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है, जिसे हम बड कहते होते हैं, फ्रॉम पेरेंट बॉडी, वो पेरेंट बॉडी से जो है वो आता है, वो पैदा होता है एंड चेंजेस इनटू एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है, ठीक हो गया ना जी। तो उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग। इसकी एग्जांपल यीस्ट फंजाई में से और हाइड्रा एनिमल्स में से मैंने दी है। प्लांट्स में तो बडिंग बहुत बेतहाशा है, ठीक है ना जी। प्लांट्स में तो हम बडिंग कट करके भी कर सकते हैं, खुद आर्टिफिशियल बडिंग भी करते हैं, वो आपको हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बताएंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी। बड़े वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी वो होते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन्स के अलावा बाकी तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, ठीक है ना जी। तो उनसे किसी इंडिविजुअल का पैदा हो जाना उस हिस्से में से, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट्स के जैसे स्टेम या लीफ में से, लीफ से जो है वो एक नए प्लांट की इब्तदा हो जाना जो है ये। आगे बढ़ा जी, पार्थिनोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस, ठीक है जी, नए वंस, यानी के यहां पे मैं सीड्स लिख देता हूं, सीड्स, ठीक है ना जी, फ्रॉम सेक्स ऑर्गन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बनेंगे बीज ही, नए इंडिविजुअल्स ही बनेंगे, सेक्स ऑर्गन से बनेंगे लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के, इसको क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है ना जी। और सीडलेस फ्रूट्स की प्रोडक्शन को क्या कहते होते हैं, वो पार्थिनोकार्पी। तो एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस असल में पार्थिनोजेनेसिस ही है, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस इन प्लांट्स, लेकिन ये सिर्फ प्लांट्स में ये टर्म है, ठीक है जी। पार्थिनोजेनेसिस है उनमें भी हो जाती है, एनिमल्स में भी हो जाती है, जैसे ड्रोन्स पैदा होते हैं बीज से जो है, तो वो उनको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन प्लांट्स में जो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस है उसे एपोमिक्सिस। वो डिप्लॉयड क्यों कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल एम्ब्रियो, फंक्शनल एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो की तरह काम करे, असल एम्ब्रियो नहीं, असल एम्ब्रियो तो जायगोट से पैदा होना होता है, लेकिन वो एम्ब्रियो जो किसी जायगोट के अलावा किसी और सेल से, डिप्लॉयड सेल से, कोई और डिप्लॉयड सेल या वो जायगोट की तरह काम करे और एक एम्ब्रियो बना दे, उस एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल एम्ब्रियो। प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल एम्ब्रियो फ्रॉम अ सेल ऑफ ओव्यूल अदर देन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के, इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो ओव्यूल की जो वॉल्स हैं वो तो डिप्लॉयड होती हैं, मेगास्पोरेंजियम है, डिप्लॉयड होती हैं, उनमें से कोई एक डिप्लॉयड सेल जो है वो जायगोट की तरह बिहेव करना शुरू कर दे और डिवाइड करके जब वो एम्ब्रियो बना दे उसे हम फंक्शनल एम्ब्रियो कहते हैं। तो इस फिनोमिनॉन को क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस और डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। अब बेटा जी तीसरा पैराग्राफ है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स थ्रू द, इसमें दो पेरेंट्स चाहिए क्योंकि दोनों पेरेंट्स जो है एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पैदा करेगा, और किसके जरिए से वो गैमेट्स पैदा करते हैं, बाय मियोसिस, सेल डिवीजन प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स फ्रॉम ईच पेरेंट, मियोसिस और रिडक्शन गिवन गिव्स टू गैमेट्स इन विच नॉट ओनली क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड बट रीशफलिंग ऑफ जीन्स लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। वो हम बेटा जी आपने पहले भी पढ़ रखा हुआ है, बाकी हम जो है वो 21 चैप्टर में फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि मियोसिस के जरिए से जो है वो
एक तो क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम की वजह से जो है वो जेनेटिक लेवल पे वेरिएशंस आ जाती हैं। तो दिस इज नॉट ओनली मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स वाले जब स्पेशलाइज सेल्स यानी गैमेट्स मिलेंगे तो जायगोट में फिर क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाएगी जितनी के उस स्पीशी की करैक्टरिस्टिक है। तो बट आल्सो प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस, इससे जेनेटिक वेरिएशंस पैदा भी करती है। तो इसका फायदा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स अ स्पीशी टू सर्वाइव एंड अडॉप्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, ठीक है ना जी। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के जवाब में प्लांट्स जो है उसको, क्योंकि चेंजिंग एनवायरमेंट को जो है वो सर्वाइव करने के लिए जो है उन्हें क्या चाहिए होता है, ऐसा मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल होता है जो उनको, तो वो मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स चाहिए होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स किसने डिटरमिन करने होते हैं, जीन्स ने, तो जीन्स भी तब्दील होते रहते हैं। तो बेटा जी अब आपका आखिरी पैराग्राफ है उसके ऊपर बात करते हैं जी बेटा। तो इस पैराग्राफ जो है ये आपका पेज 87 चैप्टर के पहले पेज पर ही मौजूद है। तो इन प्लांट्स पहला जो है इन प्लांट्स देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था। तो नेमली ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एट अ प्लांट गैमेटोफाइट जो है वो मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोरोजेनेसिस। तो प्लांट्स के अंदर जो है ये भी फिनोमिना पाया जाता है, जब स्पोरोफाइट से जो है वो स्पोर्स पैदा होते हैं तो उस वक्त मियोसिस होती है, फिर उन स्पोर से जर्मिनेशन यानी माइटोटिक डिवीजन से जो है वो क्या पैदा होती है, गैमेटोफाइट्स बनती है, फिर गैमेटोफाइट माइटोसिस से ही क्या पैदा कर देते हैं, गैमेट्स पैदा कर देते हैं, वो गैमेट्स फर्टिलाइज करके जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट फिर माइटोसिस से डिवाइड करके फिर अगली स्पोरोफाइट पैदा कर देता है। तो बेटा जी आखिरी पैराग्राफ जो है एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखें इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्दो देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल अलाइक इंडिविजुअल्स, पहला है जेनेटिकली अलाइक ऑफस्प्रिंग्स, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बड़ी तेजी से जो है थोड़े वक्त में बहुत सारे इंडिविजुअल्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना जी। देखें मिसाल के तौर पर जो है वो जो है ना वो आप ऐसे समझ लें कि डेजर्ट्स के अंदर जो है जैसे ही बारिश होती है ना जी, तो उस बारिश के सीजन के अंदर अंदर जो है तेज़ी से जो है वो क्या कर लेते हैं, वो अपनी तादाद को पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं। तो वहाँ पे जो है वो कई तरह के जो है ना वो प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चलती हैं, फंजाई भी ऐसा ही करते हैं। तो जो है रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थोड़े टाइम में ज़्यादा पैदा होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना वो एक तो टाइम बहुत लगता है और दूसरा इंडिविजुअल से पैदा होते हैं थोड़े होते हैं बस, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है कि वो जेनेटिकली अलाइक नहीं होते, उनमें वेरिएशंस पाई जाती होती हैं, ठीक है ना। और वो फिजी जो है ना वो ज़्यादा एडवांटेजियस है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो बाई एवोल्यूशन प्रीमेटिव है। बाई एवोल्यूशन क्या है, प्रीमेटिव है, ये एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है। तो मैन फेवर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल्स फॉर इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, एनिमल्स के वैल्यूएबल करेक्टर्स चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक हो गए नहीं, सीड्स हैं या उनके कोई भी इस तरह से, तो या फिर जो है वो एनिमल्स किस तरह से ज़्यादा दूध देने वाले, ज़्यादा अंडे देने वाले, ज़्यादा गोश्त देने वाले, ऐसे एनिमल्स की जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना। तो प्लांट्स में जो वो टिश्यू कल्चरिंग के जरिए से ये काम किया जाता है, और जबकि एनिमल्स की जो है वो क्लोनिंग की जाती है, टिश्यू कल्चरिंग भी क्लोनिंग ही है लेकिन क्लोनिंग की टाइप है, ठीक हो गया ना जी। एनिमल्स के अंदर जो क्लोनिंग है वो आपको हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में पढ़ाई हुई है, एक जो है वो अल्टर जायगोट के थ्रू है और दूसरा जो है वो आइडेंटिकल ट्विन्स के थ्रू होती है। तो बेटा जी डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग जो है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग भी है और डिस जो है वो इन एनिमल्स, ठीक हो गया ना जी, एंड प्लांट्स जो है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये डिसएडवांटेजेस ऑफ किसके हैं, इन एनिमल्स रैपिड एजिंग है, बॉडी तेजी से जो है वो इंडिविजुअल जो पैदा होते हैं क्लोन्स वो रैपिडली एज कर देते हैं, उनके लाइफ टाइम थोड़ा होता है, लो रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, एनवायरमेंट में होने वाली जो चेंजेस हैं डिहाइड्रेशन की है जो है या वाटर फ्लडिंग की है, हाई एंड लो टेम्परेचर की है, ठीक हो गया ना जी,
या कोई वबा फैल गई है उसकी जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एक मरेगा तो सारे मर जाएंगे। जैसे बर्ड फ्लू होता है मुर्गियों के अंदर, ब्रॉयलर के अंदर, ठीक है ना जी। इसी तरह से क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, लो रेजिस्टेंट टू डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस जो है उनके भी खिलाफ होती है। क्लोनिंग ऑफ एनिमल इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड सोशली एंड मॉरली। अभी भी हम कुछ लोग आप सुनते होंगे तो कहते हैं ब्रॉयलर खाना हराम है। भाई मेरे हिसाब से तो ये हलाल है, ठीक है ना जी। मेरे पास बकायदा जो है वो इसका एक तफसीर मौजूद है, तो मैं तो इसको हलाल समझता हूँ। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर आमीन। शुक्रिया।